जी भाई ये देखो रैप बटला कॉम्पिटिशन। सही है पर मैंने पार्टिसिपेट करना। एक सेकंड बताइए रिवॉर्ड में क्या है। रिवॉर्ड्स में हाँ 7 दिन की बैंकॉक की ट्रिप। 7 दिन की बैंकॉक की ट्रिप। एक काम कर, ये ले मेरा आई कार्ड, ये ले मेरा वोटर कार्ड, ये ले मेरा पैन कार्ड एंड ये ले मेरा आधार कार्ड, मेरा फॉर्म भर दे। वो सब तो ठीक है पर मैं इस कॉलेज कार्ड का क्या करूंगा, मैं कोई गार्ड थोड़ी ना हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, ये कंपटीशन है तो सही। एक बार जोर भैया से भी पूछ लेता हूँ। जोर भैया ये रैप बैटल का कंपटीशन है, पार्ट लोगे? नहीं। एक बार देख तो लो। नहीं एंड चॉपर इससे नहीं होगा, हर किसी के बस की बात नहीं होती रैप बैटल में पार्टिसिपेट करना। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, इसने भी पार्टिसिपेट कराया क्या? हाँ सांजी भाई भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक काम कर मेरा भी नाम डाल दे। डाल दे कोई दिक्कत नहीं है। ओके आपका नाम भी लिख देता हूँ। क्या कह रहा है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? अबे घोड़ों की रेस में गधा नहीं, गधों की रेस में घोड़ा दौड़ेगा। अबे तू घोड़ा नहीं, तू तो बहन का भाई। गाली नहीं, इसके पीछे तलवार डाल देता हूँ, फिर बेबलेट बना के मैं सामने डाल देता हूँ। भैया आप दोनों लड़ो मत, एक काम करो आप दोनों यहीं पर रैप बैटल कर लो। अभी मैं नहीं कर रहा, रहने दे। फट गई? अरे हाँ अभी तलवार भी तो डाली थी। एक काम कर, आई जा तू, आ जा। हाँ आ जा। तेरे बाल है हरे जैसे कोई तोता, मैं हूँ तेरा दादा एंड तू है मेरा पोता, लड़के रहती तुझसे दूर क्योंकि तेरा है छोटा। मेरे बालों की वजह से ही लगता हूँ मैं हटके अपने दुश्मनों को देता हूँ मैं जोर जोर के फटके, वैसे तो मैं रखता हूँ 3-3 तलवारें लेकिन तेरे जैसों के लिए मैंने 4थी भी रखी है, जिसको तू बोल रहा है ना छोटा उसी तेरी बहन की मैंने चीकरी दुआ रखी है। लगता है कि तू स्मार्ट है, तुझे लगता है कि तू चैड है पर तुझे भी पता है कि ये सारी बातें कैप है। तुझे लगता है तू पैच है, तुझे लगता है तू गुड लुकिंग है लेकिन असलियत में तू पतली वाली लैटरिंग है। तुझे लगता है तू सुंदर है लेकिन असल में तू छुछुंदर है, तेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है जैसे कोई लाल गांड का बंदर है। हूँ मैं सुंदर, हूँ मैं स्मार्ट पर तू क्यों रोता है, जब देखो तब हर जगह जाकर सोता है। दिनभर करता ट्रेनिंग लेकिन कोई फायदा हुआ क्या, म्यूक के छोटे चाकू से ही डिफीट हो गया। उस दिन हो गया था मैं डिफीट, सिर्फ मूर्खों को दिखाता, असली बात तो ये है उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा था, एटलीस्ट अपनी जान बचाने के लिए मैं रॉबिन तो नहीं सीखा था। सज्जन घर का लड़का हूँ, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, अगर कोई और होता ना तो उसे अच्छे से बताता, एक लगाता गाल पर उसको उसकी औकात दिखाता। बीड़ी तेरे मुंह में रहती, टांग हवा में रहती है, लड़कियों को देखते ही नाक तेरी बहती है, खुद को सज्जन घर का कह रहा है शर्म कती ना आ रही। अरे हाँ बिस्मुख फैमिली का है ना, ये तो बीमारी है खानदानी। हाँ चलना तेरे को आता नहीं और रास्ता तू भूल जाता है, इज्जत कर अपने बाप की क्योंकि खाना यही बनाता है, इज्जत करूँ मैं तेरी क्योंकि खाना तू बनाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो उसे को भी आता है। वैसे दर्द तो था उस बात में जो उसने बताई थी उस रात में जब तू बैठा था रोबिन के साथ में एंड रोबिन तुझे बोली बहन ते लंड ओता तुम्हें। यार तुम, मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से, मैं नहीं खेल रहा। जोर भैया मैंने ना आप दोनों की फाइट डाल दी थी और आप जीत भी गए हो। जोर भैया ये लो इनाम, मुझे नहीं जाना बैंकॉक, तुझे क्या लगा ये सब मैं बैंकॉक के लिए कर रहा हूँ, आफ्टर ऑल आई एम अ चैड। सॉरी भैया मैं भूल गया था आप तो चैड हो, सॉरी गलती हो गई, जा रहा हूँ भैया मैं। दोस्तों अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, बाकी मैं तो चला बैंकॉक, बाय। अरे बैंकॉक का रास्ता कौन सा है, राइट वाला? अच्छा ठीक है जा रहा हूँ लेफ्ट में।